आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं व्हाट इज द मेटामॉर्फोसिस, कि आखिरकार मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। तो चलिए मेटामॉर्फोसिस को अपन डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन क्या अपन को बोल रही है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू डायरेक्ट्रिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। देखिए मेटामॉर्फोसिस की ये डेफिनेशन अपन को ये बता रही है कि जो लार्वा से जो अडल्ट बन रहा है इसके बीच में कितना बड़ा बदलाव है, क्योंकि लार्वा से जो अडल्ट बनने की जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मतलब एक बड़े बदलाव के द्वारा यदि जो लार्वा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाए, अडल्ट के अंदर क्या हो जाए भाई, कन्वर्ट हो जाए, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं मेटामॉर्फोसिस बोल देते हैं। तो चलिए इसको अपन एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। अपने डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा, एक तो आपने देखा होगा फ्रॉग, एक देखी होगी बटरफ्लाई, मतलब मेंढक और तितली आपने जरूर देखा होगा। तो देखिए जो फ्रॉग होता है ना वो एग से क्या बनता है, अर्ली टेडपोल, अर्ली टेडपोल से लेट टेडपोल, एंड लेट टेडपोल से वो अडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही जो बटरफ्लाई होती है, तितली होती है, वो एग, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनती है, प्यूपा से क्या हो जाता है, अडल्ट बटरफ्लाई के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इनकी आप छोटी छोटी क्लिप देखिएगा तब आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा कि कैसे लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हुआ, फिर प्यूपा से कैसे अडल्ट बना हुआ होगा, ये सारी चीज आप देखोगे तब आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए जो मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस होती है ना, मतलब जो मेटामॉर्फोसिस है ये आपको जो वर्टिब्रेट फाइला हुआ एंड जो कॉर्डेट फाइला हुआ इनके अंदर, और कॉर्डेट के अंदर भी आपको एम्फीबियंस होंगे, उनके अंदर आपको मेटामॉर्फोसिस देखने को मिल जाएगी। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है मेटामॉर्फोसिस का, वो आपको एम्फीबियन ही देखने को मिलेगा। मतलब एम्फीबियन होते हैं ना वो मेटामॉर्फोसिस के एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल आप होते हैं, ये मान के चलिए। अब अपन टाइप्स की बात कर लेते हैं कि मेटामॉर्फोसिस के क्या टाइप्स होते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस के एम्फीबियंस में दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड रिग्रेसिव या रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस आखिरकार होती क्या है। तो देखिए प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा कि जो एक यंग होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, एडवांस अडल्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। मतलब ए यंग चेंज इनटू एन एडवांस अडल्ट, ये इसका एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या आ गया भाई, इसका फ्रॉग एग्जांपल आ गया। फिर अपन बात कर लेते हैं रिट्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। इसके अंदर क्या होगा, एन एडवांस लार्वा चेंज इनटू डीजनरेटेड अडल्ट्स बाय लॉस ऑफ ऑर्गन। मतलब इसके अंदर जो एडवांस लार्वा होगा वो चेंज हो जाएगा डीजनरेटेड अडल्ट्स के अंदर, ऐसा अडल्ट जो क्या होगा अपने ऑर्गन्स को क्या कर चुका होगा, लॉस कर चुका होगा। फॉर एग्जांपल हडमानिया, फॉर एग्जांपल क्या हो गया, बेस्ट एग्जांपल हडमानिया क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया किसका, रिग्रेसिव है ना, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का। अब अपन लाइफ साइकिल की बात करें कि भाई लाइफ साइकिल की बात करें किसकी, फ्रॉग के अंदर। फ्रॉग में लाइफ साइकिल की बात करें तो फ्रॉग की लाइफ साइकिल कैसे होती है, एक तो मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताऊंगा, एक आपको लॉन्ग तरीका बताऊंगा। तो पहले अपन लॉन्ग तरीके की बात कर लेते हैं कि किसके लाइफ साइकिल की बात करें अपन फ्रॉग की लॉन्ग रूप से, फिर बात करेंगे शॉर्ट रूप से। लॉन्ग रूप से यदि बात करें फ्रॉग की लाइफ साइकिल की तो इसमें जो एग होगा वो एग से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब फिर जो एम्ब्रियो होगा ना इस एम्ब्रियो से क्या बनेगा, टेडपोल क्लीनिंग टू वॉटर एंड प्लांट। मतलब जो टेडपोल होगा वो क्या करेंगे, टेडपोल होंगे वो पानी के अंदर जो प्लांट्स होंगे उनसे क्या करेंगे भाई, चिपकते हुए आपको दिख जाएंगे। तो सबसे पहले क्या बनेगा, एग बनेगा, एग से एम्ब्रियो बनेगा, फिर टेडपोल बनेंगे, लेकिन ऐसे टेडपोल बनेंगे जो क्या है भाई, पानी के अंदर है और क्या है भाई, प्लांट से चिपके हुए रहेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो। फिर इनके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, एक्सटर्नल गिल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए। अब क्या करेंगे इसमें एक्सटर्नल जो गिल्स होंगी वो बनेंगी किसके लिए, ताकि ये क्या ले सके, श्वास ले सके। फिर धीरे धीरे क्या होता है, टेल्स कीप्स ऑन ग्रोइंग, फिर इनकी धीरे धीरे क्या होती है, पूंछ बढ़ती रहती है। फिर आगे क्या होता है, हिंड लिंग्स, जो पिछले वाले जो पैर होते हैं वो क्या बनते हैं, उन पैरों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, आपको दिखने लग जाएंगे, यानी हिंड लेग्स अपीयर, क्या होंगे, हिंड लिंग्स क्या होंगे, अपीयर होंगे, उनका बनने लग जाएंगे धीरे धीरे पिछले पैर। उसके बाद में लाइव फ्रॉम फूड स्टोर इन द टेल, फिर ये जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे, इनकी फूल जो टेल है वो देखिए लंबी होती जाएगी, क्योंकि इनकी टेल के अंदर क्या हो रहा है, फूड स्टोर हो रहा है, जिससे क्या करेंगे ये खुद को सर्वाइव करते रहते हैं। फिर क्या होगा, जो फ्रंट जो लेग होंगे, लेग्स अपीयर, अब जो फ्रंट वाले जो होंगे, आगे वाले जो पांव होगा उनका धीरे धीरे फिर फॉर्मेशन होने लग जाएगा। इसके बाद में टेल बिकम सूटर, अब क्या होगा,
जो टेल्स होगी इनकी, जो पहले लंबी हो चुकी थी, अब धीरे धीरे टेल क्या हो जाएगी भाई, शॉर्ट होती जाएगी। इसके बाद में ये यंग फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यंग फ्रॉग से ये वापस किसमें बन जाएंगे भाई, अडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन कर लेंगे। फिर अडल्ट फ्रॉग क्या होंगे, वापस से एक देंगे। इस तरह से ये प्रोसेस क्या होती है, पूरी की पूरी चलती रहती है। अब अपन इसकी शॉर्ट रूप में देखें कि भाई इसकी लाइफ साइकिल की बात करें शॉर्ट रूप के अंदर, तो क्या होगा, जो एग होगा मतलब जो एग है वो किसमें कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट होगा, टेडपोल में। और टेडपोल से क्या हो रहा है, दो लेग टेडपोल बन रहे, मतलब टेडपोल के दो पांव बन रहे, उसके बाद में टेडपोल के चार पांव बन रहे, और फिर ये वापस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या हो गई भाई, लाइफ साइकिल हो गई। कैसे, जो मेंढक होता है वो अपनी लाइफ साइकिल कवर करता है। तो ये थी एक छोटी सी अपनी वीडियो, किसके ऊपर, मेटामॉर्फोसिस के ऊपर। आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को लाइक करना है इस वीडियो को, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो। और कोई भी आपको डाउट है या आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप इनके नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलते हैं। थैंक यू।